गाइस मेरे चैनल ऑल इन वन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं देखिए ये स्वेटर आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये स्वेटर एकदम से डिफरेंट दिखता है। ये देखिए इस तरह से डायगोनल शेप में इसकी बुनाई होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बनाना काफ़ी मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है। एक बार यदि आप मेरी वीडियो को देख लेंगे तो आप आराम से कोई भी विगनर भी बना सकते हैं। मैं विगनरों के लिए भी बोल रही हूँ कि विगनर भी बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ये स्वेटर मैं 4 से 5 साल के बच्चों के लिए मैं बनाई हूँ। आप जितने भी बड़े बच्चे के बनाएंगे मैं उसका भी थोड़ा मेज़र बीच बीच में मैं बताती रहूँगी, इसलिए आप वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिए और ये स्वेटर बनाना सीखिए। तो चलिए इसको बनाने के लिए पहले हम सिर्फ 3 फंदे से स्टार्ट करेंगे। इसमें देखिए मैं 3 फंदे डाल रखी हूँ। ये देखिए इस तरह से ये 3 फंदे की उल्टा बुनाई की। अब देखिए फंदे 3 फंदे बुनाई होने के बाद ये नीचे वाले जो ये धागे हैं इस धागे को वापस से हमें इस तरह से निडिल पर चढ़ाना है। ये हमारे 1 फंदे और हो गए और इसे हमें उल्टा उल्टा, ये स्वेटर हम दोनों साइड से उल्टा ही बुनाई करते हुए पूरा किए हैं। यदि आप सीधा भी बुन कर दोनों साइड से आप पूरा कर सकते हैं। फिर देखिए इधर से भी हम 1 फंदा इस तरह से नीचे वाले, देखिए ध्यान से ये वाले धागे को हम उठाते हैं और निडल पर डालते हैं और इसे भी 1 फंदा बनाते जाते हैं। इस तरह से हमारे फंदे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, 3 से हमारे 5 फंदे इसमें हो गए। फिर देखिए ये दोनों साइड से हम 1-1 फंदे को इस तरह से बढ़ाते जाएंगे। इस तरह से देखिए इस पर डालें, 1 फंदा फिर से हमारा बढ़ गया। फिर देखिए ये फंदे को बुनाई नहीं करना है, इसके नीचे से 1 फंदा को इस तरह से हम बढ़ाएंगे फिर बुनाई करेंगे। फिर देखिए इधर से 1 फंदा बढ़ाएंगे। इस तरह से हम दोनों साइड से फंदे उठा उठा कर बढ़ाते जाएंगे, नीचे वाले फंदे को लेते जाएंगे और हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे। ये हम फंदा तब तक बढ़ाएंगे जब तक कि हमारी चौड़ाई नहीं पूरी हो जाती है। जितने चौड़े हमें बनाने हैं ये जितना चौड़ा बनाना है उतना फंदा हमें ले लेना है। तो पहले मैं इतना बनाती हूँ, ये वाला स्वेटर भी हमें इतनी ही बड़ी बनानी है। तो चलिए इसे हम इतना फंदा पहले हम इस तरह से बढ़ाते हुए बनाते। इसमें हमारे 47 फंदे हैं तो 47 फंदे तक मैं बढ़ा रही हूँ। देखिए इसमें दोनों साइड से 1-1 फंदे बढ़ते गए हैं और बढ़ते हुए मैंने 47 फंदे इसमें डाले हैं। और इसमें मेज़र कैसे करना है ये बात मैं बता दूँ। किसी भी जिस बच्चे के आप बनाना चाहते हैं उस बच्चे का शर्ट या टॉप को आप इस तरह से मेज़र कर लें, इससे मेज़र कर लें तो उसका हाफ, ये 1 पार्ट बनाना है तो इसका हाफ ही रखना है। या शर्ट नाप रहे हैं तो आप इस तरह से 1 पार्ट को आप मेज़र कर सकते हैं। और उतना ये जिस बच्चे को मैं बना रही हूँ उसमें 5.5 है हाफ पार्ट में। तो मैं देखिए इस तरह से मेरे 47 फंदे में, देखिए इस तरह से मेरे 47 फंदे में मेरे 5.5 आ रहे हैं। तो इतना ही मुझे रखना है। आप जिस भी बेबी के बनाएंगे उसके इस तरह से ही आप मेज़र कर लेंगे। तो 47 फंदे में मैं इस तरह से बना चुकी हूँ। अब हमें देखना है, ये तो देखिए इस तरह से बने। अब इसके आगे क्या है, ये फर्स्ट स्टेप हुए। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, देखिए जैसे हम बढ़ाते आ रहे हैं उस तरह से 1 फंदे को 1 साइड से हम बढ़ाएंगे।
देखिए एक फंदा इसे उठाएं और एक फंदा बढ़ाएं और सारे फंदे को हम उल्टा बनाएंगे। तरह से देखिए मेरे ये सेकेंड स्टेप है। ये पूरी रो को हम उल्टा बुनाई करते हुए पूरा कर रहे हैं। देखिए इस रो को हम उल्टा बुनाई करते हुए पूरा कर लिए। फिर हम दूसरी साइड में आते हैं। इसमें एक फंदा को इस तरह हम स्लिप करेंगे, इधर से हमें फंदे को बढ़ाना नहीं है। एक फंदा को हम इस तरह से स्लिप करेंगे और दूसरे और तीसरे फंदे मतलब दो फंदे को एक साथ हम बुनाई कर लेंगे, दो फंदों का एक फंदा कर लेंगे और पूरी रो को हम उल्टा बुनाई कर लेंगे। इस रो को भी हम उल्टा बुनाई करते हुए पूरा कर लिए हैं। फिर से देखिए इस तरह से हम यहाँ पर फिर से हम इस फंदे को नीचे से जैसे हम उठाते आए हैं इसी तरह से निकालेंगे और इस तरह से फंदे को बढ़ाएंगे, इसे भी हम उल्टा बुन लेंगे। इस तरह से मेरे एक फंदे बढ़ गए, इधर से मेरे एक फंदे बढ़ रहे हैं और इधर से एक फंदे घट रहे हैं। इस तरह से मेरे 47 के 47 फंदे ही इसमें रहना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए फंदे। इधर से मैं एक फंदे बढ़ाई हूँ, फिर से मैं उल्टा बुनाई करते हुए इस रो को कंप्लीट करूँगी। ये रो भी हम उल्टा बुनाई करते हुए पूरा कर चुके हैं। आप देखिए इधर से हम क्या करेंगे, एक फंदे को स्लिप करेंगे, दूसरे और तीसरे फंदे को एक साथ हम बुन लेंगे, दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे। इस तरह से देखिए इधर से एक फंदे घट रहे हैं हमारे और एक फंदे इधर से बढ़ रहे हैं। 47 की मैं बार बार आपको बताना चाहूँगी, 47 फंदे हमारे इसमें हैं तो इसमें 47 फंदे ही रहना चाहिए, 47 फंदे से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए, तभी ये ठीक से बन पाएगा। इधर से घट रहे हैं फंदे, वो इधर से इस तरह से साइड्स वाले होंगे और जिधर से बढ़ रहे हैं वो इधर बटन पट्टी के साइड के होंगे। इसी तरह से हमें प्रोसेस पूरे करते हुए इतना लंबा बनाना है जितने लंबे आपको, जहाँ तक आर्म होल घटाने तक ना हो जाए तब तक हमें लंबाई जितनी लंबी आप बच्चे के बनाएंगे उतने लंबे आपको बना लेना है। तो हमें बनाना है कितना लंबा, यहाँ से देखिए मेरे आर्म होल घटे हैं यहाँ से तो 10 तक आ रहे हैं, 10.5। हमें इससे कुछ लंबा बनाना है तो यहाँ पर मैं 13 इंच तक हमें लंबी इस तरह से हमें बुनाई करनी है। एक तरफ से घटाते हुए और एक तरफ से बढ़ाते हुए हम इस तरह से 13 इंच तक हम बुनाई करते हैं। थोड़े से बनाने के बाद देखिए ये इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से बन रहा है। इस तरह से इधर बटन पट्टी है, जिधर से फंदे बढ़ रहे हैं उधर से ये बटन पट्टी है और जिधर से फंदे एक एक फंदे हमारे घट रहे हैं वो इधर से साइड वाले हैं। तो हमें ये 13 इंच तक बनाना है। इधर से हमें 13 इंच की मेज़र करनी
की हूँ, तो इधर से हमें 13 इंच बनाना है। अभी मैं एक से डेढ़ इंच ही बना पाई हूँ और आगे हम 13 इंच बनाकर आपको दिखाती हूँ। 13 इंच तक की बुनाई हो चुकी है मेरे, हमें जितना लंबा लेना था उतनी लंबाई हम बुनाई कर चुके हैं। ये देखिए 13 इंच तक। इसके आगे मेरे सेकेंड स्टेप पूरे हुए। अब यहाँ पर मेरे आर्म होल बनेंगे इस तरह से, ये आर्म होल बनेंगे और फिर ये नेक बनेगा। तो देखिए अब हम थर्ड स्टेप में आते हैं। तो थर्ड स्टेप में देखिए कैसे हमें टोटल इसमें 47 फंदे हैं। तो इधर से हमें आर्म होल घटाना है। तो आर्म होल के लिए पहले मैं ये साइड वाले बॉर्डर डालूँगी। तो मैं इसमें 6 फंदे की बॉर्डर डाल रही हूँ। आप जितने छोटे बड़े स्वेटर बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग आप बॉर्डर डालेंगे। ये 6 फंदे का बॉर्डर है तो इसलिए 6 फंदे मैं इसे उल्टा बना रही हूँ। और यहाँ पर फिर 2 फंदों का एक फंदा यहाँ पर कर रही हूँ। यहाँ से हम आर्म होल बनाना स्टार्ट किए हैं। और इस स्वेटर में मैं अभी जो नीचे रखी हूँ ये स्वेटर जो है, इसमें मैं ये थोड़ा सा यहाँ पर कुछ पार्ट में मैं यहाँ पर पैटर्न डाली हूँ। इसमें मैं पैटर्न नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि इसमें ये 2 कलर वाले मिक्स, 2-3 कलर इसमें मिक्स वाले उल हैं, तो इस उल में पैटर्न नहीं दे पा रही हूँ मैं। इसलिए यहाँ पर मैं धागा पीछे करूँगी और सीधा बुनाई करूँगी। ये पैटर्न की जगह पर मैं यहाँ पर सीधा उल्टा की बुनाई करूँगी। एक साइड से मेरे आर्म होल घटेंगे और एक साइड से नेक, तो दोनों हम साथ साथ ही घटाते चलेंगे इसमें। दोनों साइड से हमें 6-6 फंदों का बॉर्डर डालना है। ये लास्ट के 6 फंदे हैं, इसे 6 फंदे हम उल्टा बुनाई कर लेंगे। ये 6 फंदे हमारे इधर से बॉर्डर के हुए, 2, 4, 5, 1, 6। अब इधर से हमें ये नेक घटाना है। तो इसके लिए यहाँ पर 6 फंदे बॉर्डर डालने के बाद हम एक फंदा इस तरह से 2 फंदों का एक फंदा करते हुए हम एक फंदा हम इसमें घटा लेंगे। और ये रॉन्ग साइड है इसीलिए यहाँ पर पूरा हम उल्टा ही बुनाई करेंगे। और जब हम राइट साइड से आएंगे तो बीच में हम पैटर्न के जगह पर सीधा बुनाई करेंगे। इस तरह से हम दोनों साइड से 5-5 फंदे हम घटाएंगे, जिस तरह से हम नेक साइड से और आर्म होल साइड से 1-1 फंदे घटा चुके हैं, इसी तरह से हम दोनों साइड से 5-5 फंदे घटाना है। टोटल 10 फंदे इसमें दोनों साइड से घटेंगे। फिर राइट साइड आते हैं। राइट साइड में देखिए 6 फंदे का हमारा बॉर्डर है, 2, 3, 4, 5 और ये 6 फंदे का बॉर्डर है। धागा पीछे करेंगे और यहाँ पर 2 फंदों का एक फंदा
बना लेंगे हम। इस तरह से एक एक फंदे हम दोनों साइड से घटाते जाएंगे। एक साइड से हमारे आर्म होल बनेंगे, जिधर से हमारे स्ट्रेट हैं इधर से हमारे आर्म होल बनेंगे और इधर से नेक। तो इस तरह से देखिए हम आर्म होल साइड में हम दो फंदे घटा चुके हैं और नेक साइड से भी हम घटाएंगे। तो दोनों साइड से हम पाँच पाँच फंदे घटाकर दोनों साइड से इसमें पाँच पाँच फंदे घटने के बाद इतना बना है। इधर से ये नेक साइड है और इधर से आर्म होल है। पाँच पाँच फंदे घटने के बाद 10 फंदे घटे हैं, इसमें 37 फंदे इसमें बचे हैं। तो आगे में देखिए क्या करना है। आगे में तीन रो तक हमें कुछ घटाना नहीं है, तीन रो में सिंपल जैसे बुनाई करते रहते हैं राइट साइड दोनों साइड से बॉर्डर बनाते हुए, राइट साइड से सीधी बुनाई और रॉन्ग साइड से उल्टी बुनाई करेंगे। पहले देखिए इसमें 2, 4, 5, 1, 6 फंदे का हमारा बॉर्डर है, बॉर्डर बनाएंगे धागा पीछे करेंगे और ये राइट साइड है तो हम सीधा बुनेंगे और फिर रॉन्ग साइड में इसी तरह से हम बॉर्डर बनाते हुए उल्टा बनाएंगे। इस तरह से हम तीन रो बना लेते हैं और चौथी रो में हम मिलते हैं। देखिए थ्री रो बुनाई करने के बाद हम फोर्थ रो में हैं, फोर्थ रो में हमें फंदा घटाना है। देखिए इस तरह से ये फोर्थ रो में हम रॉन्ग साइड में आ जाते हैं। 2, 4, 6 ये 6 फंदे का बॉर्डर हुआ और यहाँ पर फिर दो फंदों का एक फंदा बनाते हुए हम घटाएंगे। ये आर्म होल साइड से है, फिर हम नेक साइड से भी एक फंदे को घटाएंगे। इस तरह से हर थ्री रो के बाद फोर्थ रो में हम एक एक फंदे दोनों साइड से घटाएंगे। चार चार फंदे दोनों साइड से हमें घटाना है। ये 6 फंदे का बॉर्डर बना, धागा पीछे करेंगे, यहाँ पर दो फंदे का एक फंदा बनाएंगे, एक फंदा हम घटाएंगे राइट साइड से, ये हम नेक साइड से हैं। इस तरह से हम देखिए आर्म होल साइड से भी और नेक साइड से भी एक एक फंदा और हम घटा चुके हैं। इस तरह से हर तीसरी रो के बाद चौथी रो में हम एक एक फंदा दोनों साइड से घटाना है। इस तरह से हम चार चार फंदे और दोनों साइड से घटाएंगे। तो एक फंदे हम घटा चुके हैं, अब तीन तीन फंदे और घटाएंगे और इस तरह से घटाते तीन रो के बाद चौथी रो में हम एक एक फंदे दोनों साइड से हम घटाने के बाद यहाँ पर 29 फंदे बचे हैं। और ये देखिए इस तरह से नेक इतना बना है और फिर ये आर्म होल इतना बना है। तो आर्म होल हमारे आर्म होल हमारे अभी 3 इंच बने हैं, हमें 5 इंच बनाने हैं। जिस माप का मैं बना रही हूँ उसके लिए आर्म होल हमें 5 इंच चाहिए होगा। तो इसके लिए अब हम प्लेन सीधा जैसे हम बुनाई के दोनों साइड से बॉर्डर और राइट साइड से सीधा और रॉन्ग साइड से उल्टा बुनाई करते हुए हम 2 इंच और बुनाई करेंगे। रॉन्ग साइड से उल्टा ही पूरा बुनेंगे और राइट साइड से हम दोनों साइड से बॉर्डर बनाएंगे 6-6 फंदे का और बीच में बीच वाले फंदे को हम सीधा बुनेंगे। इस तरह बुनाई करते हुए हम 2 इंच की और बुनाई 2 इंच बनाने के बाद ये हमारे 5 इंच तैयार हो चुके हैं। जितना नाप का हमें बनाना है उतना मेरा बनकर तैयार है। ये देखिए आर्म होल हमारे 5 इंच का बनकर तैयार है। ये मेरा राइट साइड का पार्ट है। अब ठीक इसी तरह से सेम हमें लेफ्ट साइड का पार्ट भी बनाना है। इस तरह से ये देखिए ठीक इसी प्रोसेस से हमने लेफ्ट साइड वाले भी पार्ट बनाए हैं। ये देखिए दोनों बनकर इस तरह से तैयार है। अब हमें क्या करना है देखिए, अब हमें इस तरह से पीछे का पार्ट बनाना है। इस तरह से धीरे धीरे
पीछे का पार्ट बनाना है। तो देखिए अब दोनों पार्ट को हम एक साथ कैसे ज्वाइंट करते हैं। यहाँ पर हमें स्टिच नहीं करना है, देखिए यहाँ पर मैं स्टिच नहीं की हूँ, बीच में कोई स्टिच नहीं, ये पार्ट ही हमें आगे बढ़ाना है। तो देखिए पहले हम ये राइट साइड वाले ही पार्ट को हम लेते हैं। तो इधर से हमारे यहाँ पर पहले हम इस पार्ट को बनाना है। तो पहले हमें थोड़े थोड़े दो दो फंदे करते हुए हमें बढ़ाना है फंदे को। तो देखिए दो फंदे हम कैसे बढ़ाएंगे, इस तरह से एक फंदा डाले इसमें, फिर यहाँ पर एक फंदा, यहाँ पर दो फंदा मेरा बढ़ गया। और इसी तरह से हम अब यहाँ पर हम देखिए इस तरह से बनाएंगे, यहाँ पर भी हमें छः फंदे का ही बॉर्डर बनाना है। अभी इधर से पहले से जो छः फंदे थे उसमें दो फंदे मेरे कम हो जाएंगे, क्योंकि इधर से मैं दो फंदे बढ़ा चुकी हूँ, दो चार पाँच एक ही छः फंदा तक पीछे, बाकी का हम फंदों को हम सीधा बना लेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान से देखना होगा, ये इधर वाले आर्म होल साइड के मेरे ये छह फंदे का जो बॉर्डर है वो छह फंदे का ही बॉर्डर रहेगा। इस तरह से ये छह फंदे का फिर हम बॉर्डर बनाएंगे। बाकी के सारे फंदे को भी हम रॉन्ग साइड से हैं इसीलिए हम उल्टा ही बुनाई करेंगे। देखिए इस तरह से फिर से इधर हम दो फंदे बढ़ाएंगे, ठीक उसी तरह से जैसे हम पिछले सिलाई में बढ़ाए थे ठीक उसी तरह से हम बढ़ाएंगे। एक फंदा इस तरह से डालेंगे, फिर इसी से हम बुनाई कर लेंगे। ये फंदा मेरा तरह और बाकी फिर छह फंदे को हम उल्टा बुनाई करेंगे, दो तीन चार पाँच और ये छः फंदा धागा पीछे और सारे फंदे को हम सीधा बुन लेंगे और आर्म होल के साइड में जो बॉर्डर है उसे हम बॉर्डर बना लेंगे। इस तरह से मेरे चार फंदे बड़े हैं इसमें। नेक्स्ट साइड से यहाँ पर बॉर्डर बनाना है छह फंदे का।
एक दो तीन चार पाँच छः, ये छः फंदे का बॉर्डर हो गया। फिर रॉन्ग साइड से हम सारे फंदे को उल्टा बुनाई कर लेते हैं। ये सारे फंदे को हम उल्टा बना लेते हैं। फिर से यहाँ पर हम दो फंदे हम उसी तरह से बढ़ाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ये नेक साइड में मैं फंदे बढ़ा रही हूँ, हर बार दो फंदा। छह फंदा का हम बॉर्डर बना लेते हैं। पहले तीन चार पाँच और ये छह फंदा, धागा पीछे करेंगे और सारे फंदे को हम सीधा बुन लेंगे और आर्म होल वाले बॉर्डर को हम बॉर्डर, छः फंदे का बॉर्डर है उसे हम बॉर्डर बना लेंगे। छह फंदे का ये बॉर्डर हम बना रहे हैं। और रॉन्ग साइड से हम पूरा उल्टा बना लेते हैं। उल्टा बुनाई करने के बाद देखिए ये इस तरह से दिख रहा है। इसमें टोटल इसमें छह फंदे बड़े हैं, दो चार और छह, दो दो फंदे करके मैं तीन बार बढ़ाई हूँ, इसमें छः फंदे बड़े हैं और टोटल इसमें 35 फंदे हो गए, 35 फंदे हो गए हैं। ठीक इसी तरह से हमारे दूसरा पार्ट भी है, इसमें भी देखिए ये 35 फंदे इसमें भी बने हैं। तो अब दोनों को हमें इस तरह से ऐड करना है। ये देखिए इस तरह से, यहाँ पर जॉइंट नहीं है, हमें इसी तरह से ऐड करना है। तो देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, अब ये बीच में हम यहाँ पर 15 फंदे बनाएंगे। तो देखिए वो 15 फंदे हम कैसे बनाएंगे, इस तरह से पंद्रह फंदे इसमें में बनाना है। तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, दस ग्यारह बारह
तेरह, चौदह और ये 15। मैं इसमें अपने मेज़रमेंट के अनुसार इसमें मैं 15 फंदे डाली हूँ। आप अपने जितने नाप के बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा फंदे बना सकते हैं। इसमें आप 10 फंदे भी इससे छोटे बच्चे के बनाएंगे तो इसमें 10 फंदे 12 फंदे ही आएंगे। इसमें ये देखिए 15 फंदे मैं डाली हूँ। अब देखिए इसमें क्या करना है, इस तरह से हम आते हैं, इधर से हम उल्टा बुनते कर किसी एक सिलाई पर हम लेते जाएंगे। तो पहले हम इधर से आए हैं, ये धागा हमें इधर ले जाना है, तो हम इधर से हम दोनों पार्ट को एक साथ अब हम बुनाई करेंगे। इस तरह से देखिए ये आर्म होल साइड है, इधर वाले हम 6 फंदे को जैसे हम बॉर्डर बनाते आए हैं, उल्टा में तो उल्टा ही बुनाई हो जाएगा, राइट साइड से हम लेकिन बॉर्डर बनाएंगे उल्टा फंदा बनाकर और बाकी के फंदों को हम सीधा बनाएंगे। ये देखिए आर्म होल साइड है, इसे हम उल्टा बना लेंगे 6 फंदों को, धागा पीछे करेंगे, सारे फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। लेकिन अभी जो हम नए फंदे को उठाएं बीच में, नए फंदे निकालें 15 फंदे और इधर से जो बॉर्डर बनाए हैं उन फंदों को हम अभी उल्टा ही बनाएंगे ताकि नेक का बॉर्डर उसमें बन जाए। यहाँ से एक एक फंदे हम बॉर्डर वाले घटाते जाएंगे, जैसे यहाँ से हमारे उल्टे उल्टा बॉर्डर बन रहा है तो एक फंदा और हम इसमें सीधा में ले लेंगे, धागा आगे करेंगे और सारे फंदे को फिर हम उल्टा बुनते हैं बीच में। नेक वाले एरिया को 3 से 4 लाइन हम बीच में बनाएंगे ताकि ये नेक वाला ये बॉर्डर हमें समझ में आए। इसमें मैं 4 लाइन बनाई हूँ, 4 पर्ल वाले रो हैं, ये हमारी पहली रो है नेक के लिए। जितने नए फंदे मैंने निकाले थे सारे फंदे को मैं उल्टा ही बना रही हूँ क्योंकि ये नेक वाले बॉर्डर बनाना है यहाँ पर। बाकी के फंदे को हम सीधा बुनाएंगे और आर्म होल वाले 6 फंदे को हम बॉर्डर बना लेंगे। इस तरह से बनाते हुए हम पहले बनाते हैं, यहाँ पर हम 4 जिस तरह से स्नेक में पर्ल वाले 4 रो हैं उस तरह से हमें बनाना है। अब कहीं पर भी घटाना या बढ़ाना नहीं है, सिंपल राइट साइड और रॉन्ग साइड से दोनों साइड से हमें बुनाई करते जाना है। सिर्फ दोनों साइड वाले आर्म होल में बॉर्डर और नेक वाले
बॉर्डर बनाते जाना है, एक एक फंदे दोनों साइड से बॉर्डर वाले फंदे को कम करते हुए। ये पर्ल वाले चार रो होने तक हम बनाते हैं बॉर्डर का। ये चार रो पर्ल वाला तैयार हो चुका है। अब आगे हमें देखिए क्या करना है, आगे में इधर बैक पार्ट में बनाना है और ये आर्म होल हमें 5 इंच पूरा करना है। जिस तरह से आगे से मैं ये 5 इंच था वो पीछे से भी हमें 5 इंच बनाना है। तो देखिए पहले मैं इधर दिखा दूँ इस तरह से, ये देखिए इसमें ये नेक बन चुका है। अब यहाँ से मेरे बैक पार्ट स्टार्ट होते हैं, यहाँ से मेरे बैक पार्ट स्टार्ट होते हैं। बैक पार्ट में मैं अभी सिर्फ 1 इंच ही बना पाई हूँ, इसे पूरा 5 इंच कंप्लीट करना है पीछे का आर्म होल पूरा तैयार करने के लिए। तो और हमें 4 इंच बनाना है। 4 इंच बनाने के लिए हमें कहीं भी घटाना बढ़ाना नहीं है, बस जैसे भी सीधा उल्टा बुनाई कर रहे हैं वैसे ही करना है। दोनों साइड से सिर्फ 6-6 फंदे का हमें जो आर्म होल का बॉर्डर है वो बनाना है, और राइट साइड से राइट और रॉन्ग साइड से पूरा उल्टा बनाते हुए हम ये आर्म होल का 5 इंच पूरा करना है। तो आप हम इस तरह से 5 इंच हम पूरा कर लेते हैं और टोटल इसमें मेरे 95 फंदे हो चुके हैं। ये हमारा पीछे के लिए बैक पार्ट के लिए मेरा पूरा फंदा रेडी है। तब पहले हम आर्म होल का 5 इंच को कंप्लीट करते हैं इस तरह से। ये देखिए इस ये 6 फंदा हमारा आर्म होल का बॉर्डर है, इसे हम बनाएंगे। और ये इधर तो रॉन्ग साइड से है, हम ये देखिए रॉन्ग साइड है, तो रॉन्ग साइड हम पूरा उल्टा ही बुनाई करेंगे और राइट साइड से हम दोनों साइड के आर्म होल का बॉर्डर बनाएंगे और बीच वाले सारे फंदे को हम सीधा बना लेते हैं। इस तरह से हम 5 इंच पूरा करते हैं। इसे देखिए इसमें ये मेरे आर्म होल जो है 5 इंच बनकर तैयार है। इसे हम इस तरह से मेज़र कर सकते हैं, देखिए इधर से मेरे सामने वाले पार्ट हमारे 5 इंच के थे और यहाँ से यहाँ तक देख पाते हैं आप, इस तरह से मेरे बन के तैयार हैं। आप देखिए हमें बैक पार्ट आगे बढ़ाना है, तो देखिए कैसे इसमें 95 फंदे टोटल हैं। अब यहाँ पर से मेरे आर्म होल वाले बॉर्डर नहीं बनेंगे, तो इसे हम यहाँ से टोटल को हम उल्टा बुनाई करेंगे जैसे हम सामने वाले पार्ट में बनाते हैं। अब वही शेप देना है, डायगोनल शेप। तो सबसे पहले इसमें ठीक बीच वाले फंदे पर आते हैं, तो बीच वाले फंदे पर आने के लिए मेरे 47 फंदे के बाद 48 फंदे जो हैं वो 48 नंबर के फंदे हमारे सबसे बीच में आते हैं, एकदम मिडिल में जो आते हैं फंदे, उस फंदे पर हम आते हैं। तो पहले हम 47 फंदे की बुनाई करते हैं उल्टा उल्टा। ये देखिए 47 फंदे की बुनाई कर ली हूँ, ये हमारे बीच वाले फंदे आते हैं। तो इसमें देखिए ये बीच 47 फंदे बुनाई करने के बाद ये जो बीच वाले धागे हैं इस धागे से हम एक फंदा बुनाई करेंगे इस तरह से, एक फंदा बढ़ाएंगे। एक फंदा निकालने के बाद एक हम गलती ना हो इसके लिए ठीक बीच वाले फंदे के लिए
इस तरह से हम एक लूप बना लेंगे और इसके अंदर इस तरह से डालेंगे। ये 48 नंबर के फंदे हैं, 48 फंदे में को इस तरह से ही हम स्लिप कर लेंगे, धागा पीछे करते हुए स्लिप कर लेंगे, इस तरह से आगे करेंगे और फिर यहाँ से हम एक फंदे का एक फंदा नया नेप बनाएंगे। हम एक फंदा मतलब बढ़ेगा यहाँ पर इस तरह से, बाकी सारे फंदे को फिर हम, आप यहाँ पर भी एक लूप दे सकते हैं इस तरह से, यहाँ पर एक लूप दे सकते हैं, फिर यहाँ पर आप एक फंदे ये बढ़ाकर बढ़ाएंगे। धागा आगे कीजिए और यहाँ पर से एक फंदा यहाँ से निकालिए, फिर आगे हम जैसे बुनाई करते हैं उल्टा बुनाई करते जाएंगे। इस तरह से हम इस रो को कंप्लीट करते हैं। इस तरह से देखिए अब हम राइट साइड बुनाई करने के बाद हम रॉन्ग साइड में आते हैं। रॉन्ग साइड में देखिए क्या करना है, ये एक फंदे को स्लिप करना है और एक फंदे के बाद हम ये दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, दो फंदे एक साथ हम बुनाई करेंगे उल्टा और फिर सारे फंदे को हम उल्टा बुनाई करते हुए इस रो को कंप्लीट करेंगे। रॉन्ग साइड से हमें फंदे को बढ़ाना नहीं है, उल्टा बुनाई करते हुए रो को कंप्लीट कर लेना है। ये रो हमारी कंप्लीट हो रही है। ये देखिए अब हम राइट साइड आते हैं। अब देखिए राइट साइड में क्या करना है, एक फंदा का स्लिप करेंगे और ये दो फंदों का फिर एक फंदा बनाएंगे। इस तरह से हमारे दोनों साइड से एक एक फंदे कट रहे हैं, इधर से भी और इधर से भी, और बीच वाले फंदे हमारे दो फंदे बढ़ रहे हैं। इस तरह से हमारे फंदे जितने थे उतने 95 के 95 फंदे ही रहेंगे और इस तरह से ही इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए हम पीछे वाले सार जितना लंबा बनाना है आपको, जितना बड़ा भी मेज़र है आपके बच्चे का उतना मेज़रमेंट के अनुसार आपको ये पार्ट को बना लेना है। तो पहले देखिए हम ये हम थोड़ा सा बनाकर आपको पहले दिखाएंगे। एक फंदा घटा है दोनों साइड से, तो पहले हम राइट साइड से हम दो फंदे बढ़ा चुके हैं इसलिए हमारे फंदे कम नहीं हुए हैं। जितने फंदे हैं हमारे पार्ट के लिए उतने फंदे बचे ही रह जाते हैं, घटते नहीं हैं। इस तरह से देखिए ये लूप्स के बाद यहाँ पर लूप्स हैं, तो उससे पहले हम यहाँ पर एक फंदा बढ़ा लेंगे इस तरह से, एक फंदा टल कर फिर लूप को हम इस तरह से इस राइट वाले सलाई पर ले आएंगे, धागा पीछे करेंगे, ये बीच वाले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे और ये बीच वाले फंदे को हम रॉन्ग साइड से उल्टा बुनाई कर लेंगे, धागा आगे करेंगे, फिर यहाँ से देखिए एक फंदा हम बढ़ाएंगे इस तरह से निकाल कर, फिर इस लूप को हम इस पर डाल लेंगे और आगे सारे फंदे को हम उल्टा बुनाएंगे। इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए हम पीछे वाले पार्ट को पूरा तैयार करेंगे। आप ये लूप यदि नहीं रखना चाहते तो नहीं भी रख सकते, क्योंकि बीच में
वाले फंदे सुविधा, गलती ना इसके लिए बताएं जो बिगनर नहीं है, जो एक्सपर्ट हैं बुनाई करने में उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम आगे वाले पार्ट के इतना इस तरह से हम ये मेरे भी इतने ही हुए हैं, तो अभी हम इस पार्ट को हम यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे, इतना लंबा हमें बनाना है। आप जिस भी बच्चे के बना रहे हैं, जितने आपके मेज़र आ रहे हैं बच्चे के, उतना आपको आप भी बनाइए। मैं अपने नाप के अकॉर्डिंग देखिए इतना लंबा बना चुकी हूँ ये बैक पार्ट को। अब देखिए हम इस तरह से मेज़र कर लेते हैं, जैसे आगे और पीछे दोनों साइड के ये जो आर्म होल हैं, यहाँ पर देखिए ये आर्म होल को हम दोनों यहाँ से एक जगह पर रखते हैं इस तरह से। ये दोनों आर्म होल हुए दोनों साइड के आगे पीछे, और ये देखिए दोनों पार्ट इस तरह से इतने बराबर हमारे बनकर तैयार हैं। अब इसे हम बाइंड कर देंगे। दो फंदों को एक साथ हल्के हाथों से हम बंद करेंगे, दो फंदा एक साथ, फिर हम इस पर डालेंगे, फिर दो फंदा एक साथ, फिर इस तरह करते हुए हम बाइंड कर देंगे। सारे फंदे को हम इस तरह से बाइंड कर लेते हैं। फंदे को मैं इस तरह से बंद कर ली हूँ इस तरह से। ये पीछे के पार्ट में ये नीचे में देखिए इस तरह से राउंड दिख रहा है, और इसके बाद हम इसे स्टिच करेंगे। स्टिच हम इस तरह से दोनों आर्म होल को इस तरह से हम दोनों साइड के आर्म होल को इस तरह से हम देखिए पकड़ेंगे, और फिर इस तरह से यहाँ पे अब यहाँ से हम स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इसी फंदे को मैं थोड़ा धागे में बड़ा करके काट ली हूँ, और इसी में मैं निडिल में डाल दी हूँ धागे को, और अब देखिए मैं कैसे इसे स्टिच कर रही हूँ। ये दोनों पार्ट जो हैं ये राइट साइड से ही है, देख लीजिए ये राइट साइड से ही है मैं स्टिच कर रही हूँ। ये देखने के बाद आपको पता चलेगा ये राइट साइड है। अब देखिए दोनों पार्ट में मैं इस तरह से हाथ पर रखूँगी। अब देखिए एक फंदे में इधर से यहाँ पर, फिर ये एकदम किनारे वाले ये फंदे जो हैं इसमें मैं निडल डालूँगी। एकदम इसमें देखिए इस साइड में इस तरह से, दोनों साइड के एकदम लास्ट वाले धागे में हम इस तरह से निडल डालेंगे और निकालेंगे, इस तरह से धागा खींच लेंगे। ये देखिए इस तरह से देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ इसमें स्टिच हो रही है। आप इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए आप स्वेटर जहाँ तक आपको स्टिच करना है, मैं दिखा रही हूँ, थोड़ी और स्टिच करके मैं आपको बताऊँगी। पहले भी मैं
वीडियो बना चुकी हूँ इस तरह के स्टिच के लिए, आप वहाँ से भी ओपन करके अच्छे से देख सकते हैं मेरे चैनल को ओपन करके। ये देखिए रॉन्ग साइड से इस तरह से, मतलब दोनों साइड से आप देख सकते हैं स्टिच के, इतना फिनिशिंग से स्टिच हुई कि पता नहीं चल रहा है कि स्टिच कहाँ पर है। तो इसी तरह से आप यहाँ से यहाँ तक, ये आर्म होल तक यहाँ तक स्टिच करेंगे, और ठीक इसी तरह आप इधर से भी दोनों साइड से इस तरह से मिलाते हुए आप इधर से भी स्टिच करेंगे। इस तरह से ही मैं भी कर रही हूँ। इस तरह से स्टिच करते हुए हम यहाँ से यहाँ तक और इधर यहाँ से यहाँ तक हमें स्टिच करना है। साइड से स्टिच होने के बाद ये देखिए दोनों साइड से स्टिच हो चुकी है। स्टिच होने के बाद ये स्वेटर बनकर तैयार है। तो प्लीज़ यदि ये स्वेटर बनाने का प्रोसेस आपको पसंद आया हो, ये स्वेटर बनाने का, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।